हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू नालंदा इंग्लिश एकेडमी। आज मैं चैप्टर पढ़ आ रही हूँ जर्नल इंग्लिश का। हमने चैप्टर लिया है रीराइटिंग इन कॉलम सी द न्यू वर्ड दैट यू कैन फ्रॉम बाय कॉम्बिनिंग। मतलब एक जैसे जो वर्ड्स है हमें कॉलम ए और कॉलम बी में से लेकर, जिसका जो वर्ड्स बन रहा है न्यू वर्ड हमें यहाँ पर कॉलम सी में लिखना है। फर्स्ट है मैन, मैन के साथ में हम मैच करेंगे गो, मैंगो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है। सेकंड वर्ड इज़ कार, कारपेट, कारपेट सेकंड नंबर पर हमें कारपेट लिखना है। चलिए मैं आपको ये देखिए, फर्स्ट नंबर पर ये, सेकंड पे कारपेट, थर्ड पर हमें मैच करना है डोर बेल, थर्ड पे डोर बेल, फोर नंबर पर रेनबो, ये देखिए रेनबो लिखा हुआ है। मैंने एक साथ पहले मैच किया फिर हमने लिखा यहाँ पर कॉलम सी में। फिर है फाइव नंबर का नेक टाई, नेक टाई यहाँ देखिए नेक टाई लिखा हुआ है मैंने। सिक्स नंबर पर पीकॉक, पीकॉक को पीकॉक से मैच कर कर यहाँ पर हमने पीकॉक लिखा है। और यहाँ पर देखिए सेवन नंबर पर गो, ऊपर लिखा है एट, गो को एट से मैच करके न्यू वर्ड बना हमारा गॉट। एंड एट नंबर ब्रेक, ब्रेक और नीचे लास्ट में को फास्ट, ब्रेक को फास्ट के साथ मैच करके हमने न्यू वर्ड क्या बनाया ब्रेक फास्ट। फिर है नाइन नंबर का टूथ, ऊपर देखिए ब्रश, टूथ ब्रश, टूथ ब्रश न्यू वर्ड बन गया। फिर देखिए कप है और यहाँ पर बोर्ड, कप बोर्ड, टेन नंबर पर कप बोर्ड लिखा है हमने, लिखा ना। फिर देखिए नीचे ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हमें इसको क्या यूज़ करना है, इन ऑन और अंडर, इन ऑन और अंडर यूज़ करके इस सेंटेंस को हमें पूरा बनाना है, पूरा करना है। देखिए फर्स्ट है द कैटल इज़ ऑन द टीपे, तो जो ट्रे होती है उसके ऊपर क्या पड़ी है, कैटल केतली पड़ी है जिसके अंदर चाय होती है ना, ट्रे के ऊपर केतली पड़ी है, तो वो कहाँ पड़ी है, ऊपर, ऑन आएगा, क्या आएगा इसके ऑन। मैंने आपको पहले भी बताया था किसी चीज़ के कोई चीज़ ऊपर रखी जाती है उसको ऑन में यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर देखिए द मून इज़ डैश द स्काई, मून कहाँ होता है, स्काई के अंदर होता है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे इन, इधर देखिए इन लिखा है ना। फिर देखिए थर्ड नंबर का द काओ इज़ डैश द ट्री, काओ पेड़ के नीचे है, अंडर आएगा, अंडर मीन्स नीचे। द हॉर्स इज डैश द स्टेबल, वो स्टेबल उनका घर होता है हॉर्स का, वो कहाँ रहते हैं सॉरी स्टेबल के अंदर खड़ा है घोड़ा ना, द हॉर्स इज इन द स्टेबल, स्टेबल के अंदर है। द बास्केट इज अंडर द टैप, हमने पीछे सेंटेंस किए थे ना उसको हमें कंप्लीट करने, ये वाले टैप मीन्स नल, नल के नीचे क्या है बास्केट, बाल्टी पड़ी हुई है टू उसके नल के नीचे। सिक्स नंबर का है द टेबल लैम्प इज डैश द स्टूल, स्टूल के ऊपर टेबल सॉरी लैम्प है, तो ऊपर आया था ऑन आया वापस, ऑन का मतलब ऊपर, इन का मतलब है अंदर और अंडर का मतलब होता है नीचे, किसी चीज़ के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ओके बाय स्टूडेंट्स।